बुल्ढाना जिला के तालुका मलकापुर शहर में स्थित पारपेट क्षेत्र के ताजनगर वार्ड में मिली शिकायत के अनुसार एक वर्ष पहले पानी की नई पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसका बिल करीब 20 लाख रुपए पास हुआ था। बताया जा रहा है कि नगर परिषद ने ठेकेदार का 80% बिल पास कर दिया है, जिसके तहत वो काम शुरू किया गया था। लेकिन काम पूरा होने के बाद जब इसकी टेस्टिंग के दौरान वो पाइपलाइन जमीनी सतह में ही 8 से 10 जगह फटी पाई गई और सारा पानी बहने लगा, पुष्टि होते ही इस बात की स्थानिक नगर सेवकों द्वारा नगर परिषद को फ़ोन कॉल के माध्यम से इत्तला देनी चाहिए, तो नगर परिषद के इंजीनियर आचार साहब अटेंड करने से साफ कतराने लगे। उन्होंने फ़ोन कॉल को अटेंड करना उचित ही नहीं समझा, जबकि स्थानीय नगर सेवक ने इस सिलसिले में अधिक आरोप लगाते हुए कहा कि ना ही कोई कर्मचारी वहां मौजूद है, जिससे ताजनगर के त्रस्त नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों के गुस्से को देखते हुए स्थानीय नगर सेवक ने माहौल को अधिक बिगड़ने से संभाल लिया। लिहाजा नागरिकों की मांग है कि ठेकेदार का बिल पास न किया जाए और काम को दोबारा से शुरू करके पाइपलाइन के काम को पूरा किया जाए। ये प्रभाग नंबर 8 है और प्रभाग नंबर 8 मस्जिद कादर मुस्लिमीन के यहाँ नगर सेवक है, मैं हूँ इमरान मेंबर है। यहाँ पर 20 लाख रुपए की पाइपलाइन हमने सेंक्शन किए थे और उसका काम एक ठेकेदार ने लिया था। एक साल पहले वो काम कंप्लीट हो चुका है। एक साल के बाद में आज नगर परिषद ने इसका टेस्टिंग ली पाइपलाइन की। ये 8 से 10 जगह पाइपलाइन फूटी हुई है और ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी 80% बिल जो है तो नगर परिषद ने ठेकेदार का निकाल चुकी है। अभी तक के इसका थर्ड पार्टी ऑडिट हुआ नहीं है। तकरीबन 2 घंटे से हम यहाँ पर दोनों तीनों नगर सेवक खड़े रहकर उसको फ़ोन लगा रहे, आचार्य को यहाँ पर उसको बुला रहे। जब भी यहाँ पे पानी आता और कोई प्रॉब्लम होती तो आचार्य यहाँ पे आता नहीं और देखता नहीं। अभी ये मेरे वार्ड की जो महिलाएं हैं बहुत खोली हुई है, पूरी चप्पल लेके उसको मारने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी, वो यहाँ पे आया नहीं। जब भी नगर परिषद का कर्मचारी, वाटर सप्लाई का कोई भी अधिकारी यहाँ पर आएगा तो उसका हमारी महिलाएं चप्पल से स्वागत करेंगी। ये प्रभाग नंबर 8 है और प्रभाग नंबर 8 मस्जिद कादर मुस्लिमीन के यहाँ नगर सेवक है, मैं हूँ इमरान मेंबर है। यहाँ पर 20 लाख रुपए की पाइपलाइन हमने सेंक्शन किए थे और उसका काम एक ठेकेदार ने लिया था। एक साल पहले वो काम कंप्लीट हो चुका है। एक साल के बाद में आज नगर परिषद ने इसका टेस्टिंग ली पाइपलाइन की। ये 8 से 10 जगह पाइपलाइन फूटी हुई है और ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी 80% बिल जो है तो नगर परिषद ने ठेकेदार का निकाल चुकी है। अभी तक के इसका थर्ड पार्टी ऑडिट हुआ नहीं है। तकरीबन 2 घंटे से हम यहाँ पर दोनों तीनों नगर सेवक खड़े रहकर उसको फ़ोन लगा रहे, आचार्य को यहाँ पर उसको बुला रहे। जब भी यहाँ पे पानी आता और कोई प्रॉब्लम होती तो आचार्य यहाँ पे आता नहीं और देखता नहीं। अभी ये मेरे वार्ड की जो महिलाएं हैं बहुत खोली हुई है, पूरी चप्पल लेके उसको मारने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी, वो यहाँ पे आया नहीं। जब भी नगर परिषद का कर्मचारी, वाटर सप्लाई का कोई भी अधिकारी यहाँ पर आएगा तो उसका हमारी महिलाएं चप्पल से स्वागत करेंगी। बाद में लेंगे, फिर अभी शुरू हुई तो सारी पाइपलाइन फूटी हुई है, सारा रोडों पर पानी जा रहा, सब पैसे खा लिए उन्होंने, काम बराबर करे नहीं। अब इधर आओ तुम, खड़े हुए आई यहाँ चपला लेके।